मैंने सर ये बोला बर्थडे अपन क्या करें पार्टी दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 आज मेरा बर्थडे था तो मेरे मतलब मेरे पापा और उनके मामा बात कर रहे थे कि इसके बर्थडे पे मेरे बर्थडे पे क्या करना है तो मैंने बोला कि क्या मेरे को जो सारे पीपी किट मास्क वगैरह जो सब सैनिटाइजर जो होते हैं वो मुझे अजमेर के सुपर हीरो को देने हैं तो सबने पूछा सुपर हीरो कौन है अजमेर का भाई तो मैंने बोला कि अजमेर के SP सर उनको मेरे को देना है ये सब चीज़ें कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ मैं 3rd में पढ़ता हूँ अभी तो अपनी पॉकेट मनी से दिया आपने ये सब हाँ मेरे को हर महीने जो पॉकेट मनी मिलती है मैंने वो इकट्ठा जितनी भी थी वो सारी से दिया क्या क्या गिफ्ट दिए आपने मैंने N95 मास्क PPE किट फेस शील्ड और सैनिटाइजर्स दिए हैं तो कुछ मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को कि किस तरीके से मतलब एक छोटी सी उम्र है आपकी और आपने इतना बड़ा गिफ्ट मैसेज तो नहीं देना चाहूँगा मैं ठीक है आपका नाम बताओ सिद्धांत कौन सी क्लास में पढ़ते हो 3rd कि हर साल तो हम लोग सब एकदम धूमधाम से हम सब लोग अपना बर्थडे मनाते हैं पार्टी करते हैं लेकिन इस साल हम नहीं मना पा रहे और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने वो लोग हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं और मैं बाकी सारे लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं उन सब की हमें हेल्प करनी चाहिए बच्चों को इधर आप इधर आ जाओ तो बोलता कि मैं मेरी जितनी पॉकेट मनी है ना अजमेर के सुपर हीरो को प्रेजेंट क्या है सर हमने भी पूछा कि अजमेर के सुपर हीरो कौन है मुझे लगा कि जैसे जब सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए बहुत छोटा था बच्चा 7 साल का था बहुत बड़ी बात सर फेस शील्ड पीपे किट ये जो होता ना सारी ये मास्क हैं ये वाले हैं ये सारे स्नैप मास्क वाले जो हैं इतनी यहाँ से एक बच्चा हूँ मेरे से बड़े बड़े लोग बोले बड़े बड़े लोग जो फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं जो फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारे जो कर रहे हैं प्लीज एक बार और अच्छा काम करते हैं मैसेज जरूरी है क्योंकि मोटिवेशनल चीज है